आगे भर के क्या तेरे पाप लाएंगे। ऊर्जा बाऊ ऊर्जा बाऊ, ऊर्जा की दिल्ली में स्मोकिंग बैन हो गई, ऊर्जा की संसद में फिर बात बैन हो गई। ऊर्जा बाऊ ऊर्जा बाऊ ऊर्जा बाऊ साले। अच्छा, इनको बाहर कबड्डी खेलने भेजता है रात भर।
मियां मेरे जान शरीर देखना चाहती हो तो वो चादर हटा दो। अरे नहीं बात, अरे लास्ट ईयर तो हुआ था बाद में।
तुमने भागलपुरी बताया है? कोई बात है बड़ा? अरे आप क्या जाने, आप तो भागलपुरी चादर उड़ा रही है बस। ओढ़े वो जो हराम की खाए, दो बार खरीदी थी भागलपुरी चादर, चार माह के बीत गई तार तार हो गई। अरे देखो भाइयों, मने लागे है कि हम सब यहाँ भवराज जी की अंतिम यात्रा के सिलसिले में इकट्ठा हुए हैं। क्यों हाँ, हुए हैं तो क्या हुआ? कोई बात है बोला? जब देखो तो जमाने में लग जाते, कम से कम आज तो चुप रहे। बेचारे भवराज भी क्या सोचते होंगे, वो बेचारे मरे तो भगवान उनका भला करे, इस वक्त की भागलपुरी चादर ओढ़े रहते। अरे तो क्या उसको भवराज की यादगार मान के घर उठा के ले जाओगे? अरे ले जाइए ले जाइए, लास्ट ओढ़ा है कापन तक तो कासवाट कर ले जाइए। तुम रुको यहीं पे। अरे हाँ चांद रहो, चलो चांद रहो, तुम आराम से बैठो बैठो, मिला तुम बैठो, चलो बैठो बहू जरा जी, तुम यहाँ बैठो बैठो, चलो तो भाइयों जब तक नाना नहीं आ जाता तब तक शुरू करें अंताक्षरी। अरे भगवान कहाँ हो? हाँ हाँ आ रहे हैं, ऐसे ही पड़े रहते पीछे के
बकरी से किसी को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कोई करता है ना तो देखा कैसे शक पैदा होता है। ऐसे हैं हमारे पड़ोसी, सभी ऐसे नहीं। टिंगू की माँ विधवा औरत, जिससे दोस्ताना संबंध, अगर जरूरत को देखते हुए टिंगू बेटे ने दाह संस्कार कर दिया होता तो इन लोगों ने मेरे दोस्ती के रिश्ते को बिगाड़ कर न जाने क्या से क्या कर दिया होता। बहरहाल नाना माँ से मिला और पूछा, बेकार हुआ दिए? बेकार कैसे? अरे बेकार नहीं तो और क्या, अरे लाश सजाती तो, अरे कम से कम बलत ही मंगवा देते। अरे हाँ, ध्यान में ही नहीं रहा। फूट तो मुझको जला दो, छिका पर मुझको लिटा दो, तेजो संडे लगेगी, गंदगी बदबू पड़ेगी, उसे हटा दो। फूट तो मुझको जला दो। जो बेटे लोग पकड़ो, सामने देख के चलना, झिमुट के मत देखना। चलो हाथ लगाना भैया, कंधा देना भैया, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। आखिरकार हमको गति मिली, जल्द ही सदगति भी मिलेगी। शमशान तो घर से दूर ही होता है तो चल के जाना पड़ता है, और जब शमशान दिखाई पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे जैसे कतार में ठाड़े हुए और जल्दी से नंबर लग के दूध की बोतल मिल जाए। अब ये शमशान की गलियां हैं तो आखिरी बार देख लेते हैं, फिर कहाँ नसीब होगा देखना। अरे ये नाना जी चलते चलते क्यों रुके? शमशान में डाल का लाल सिग्नल है क्या? ना करीब आके कोई रुका जाता है क्या? चलो भाई आगे बढ़ो, तू बड़ा राजा बेटा है ना, हम लोग भीतर जाएंगे। उसके साथ की छुट्टी वही तो बैठा हूँ। चल बेटे। नहीं भाई, लाश को ज्यादा देर लटका के नहीं रखना चाहिए, भावरा को भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो ताला लटक रहा है ना आपकी खोपड़ी जितना बड़ा, के दर्शन कीजिए। क्या सारी मुश्किल है, चौकड़ी का मुर्दा जला है। अब ये वो तू कहाँ पर गया? तू क्या सो रहा था? सामान कहाँ है? अरे अरे मेरी बात छोड़िए, ये 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 नोटिस पढ़िए। जनता को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने इस स्थान के प्रति जनता के स्नेह और आत्मीयता के लिए उनकी बेहतरी के लिए बगैर सूचना दिए स्थान का स्थानांतरण किया है। ये शमशान अब सरकार के निजीकरण की नीति के तहत पेप्सी ग्रुप को आवंटित किया गया है। पेप्सी का नारा, लाश की आजादी का वादा, बिजली की बत्ती द्वारा मुर्दा जलाओ, 25 मिनट में अस्थि पाओ, और दो लाशें लाने पर 1 लीटर पेप्सी मुफ्त पाओ। ये नथिंग ऑफिशियल अवार्ड है। स्टोरी को ड्रामेटिक टर्न मिल गया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी लाश यहीं पड़े पड़े सड़ जाएगी। अरे मुझे यहां से मत ले जाओ, मुझे मुझे पेप्सी वालों से शिकायत है कि अगर उन्होंने इस बात की सूचना ट्रायंगुलर सीरीज में दे दी होती तो मैंने अपना मरना प्रीपोन कर लिया होता, पर अब मैं अपना मरना प्रीपोन नहीं कर सकता। वहां मैं जलना नहीं चाहता हूं और यहां जल नहीं सकता हूं। अरे मैं अपने पूर्वजों को इसी शमशान में ही तो फूंकता आया हूं, अरे मुझे यहीं जलाओ, मैं क्या करूं? अरे अब क्या करें? अरे फिर क्या, एम्बुलेंस बुलावा ले चलो जाएगा। अब नाना तुम यही रुकना, पीछे मुड़ के बाद देखना। अब एम्बुलेंस ले जाते Thank you.
ए ज्योति के टिंगू की मैया कहाँ है बे? भाऊ आप तो मर चुके हो ना? नहीं, हम स्वर्ग में पहुंचे हैं, पर मुझे अपनी भू आ रही है। भाऊ आप मर चुके हैं? अरे बुला साला इंद्र को। अबे तुम यमराज को मेमो भेज दो, सारा हमारी भरी भरी गलती हो जाता है, क्या समझता है अपने आप को? मेमो किस बात का? आओ आप जिंदा नहीं है, अरे आपका दहा नहीं किया है अभी तक। अरे चारों तरफ इतना सन्नाटा दिख रहा, तो हमें लगा कि तुम लोग ने हमें फूंक दिया है और हम स्वर्ग में आ पहुंचे हैं। अरे आपकी एम्बुलेंस कहाँ है अभी तक? अरे वो आएगी भी नहीं, मोहल्ले वाले अपना घर पहुंच चुके होंगे, आराम से नहा धो कर चाय पी रहे होंगे। अरे खूब जानते हैं मुझे, अरे उन्हीं में से गए हम। आप चलिए। कहाँ? शमशान में? नहीं हम नए शमशान में नहीं जाएंगे, हमें जलाना है तो यहीं जलाओ। आप बेकार करते हैं, यहाँ जलने जलाने की मनाही है, आप सड़ते जा रहे हैं। नहीं हम यहीं चलेंगे चाहे जो हो जाए, जलाना है तो यहीं जलाओ, वरना सड़ने दो हमारी गाज के बड़े बड़े। नाना क्या मेरी मौत एक लतीफा बनती जा रही है? भाव नहीं है, मैंने स्वीकार किया है अपने पिता का व्रत, उत्तराधिकार में पाया हुआ, और वो मुझे ऐसे हुआ है फिट जैसे लंगू। मगर सरासरा डर भी लग रहा है, मेरा दिल कांप रहा है, मेरी माँ की सिद्धियां होने का नाम ही नहीं लेती, हर दूसरे सेकंड में एक के हिसाब से चालू है। भला ऐसी क्या बात है, क्यों हमारे दुख में मरी जा रही है? आज 10 दिन पूरे होने को आए, घर के भीतर चूल्हे की आग जब दिखाई नहीं दी, गुजारा कर रहे हैं हम लोग किसी तरह, या तो सामने वाले होटल पर या फिर पड़ोसियों के भरोसे पर। अधिकार कर घर के काम काज में जी लगा। समझ रहे इतनी नरमी दिखा दी फिर भी रोना नहीं समझा, जाओ फटफट चावल पकाओ मुझे पिंडा बना के दो, मुझे शमशान जाना है। अरे बहुत हो गया चलो जाओ। और हाँ बासमती चावल लेना अच्छे वाला, भाऊ की तबीयत भी खुश हो जाएगी। ये पेप्सी वालों को भी नया शमशान अभी बनाना था क्या? इतनी धूप में चल के जाना पड़ेगा वहां तक मुझे। मेमोरी कार्ड इस तरह दूसरा इतना सारा समय बीत चुका, यहां मैं अकेला खड़ा लगातार राह भरता, मन तो ऐसे करता है कि सीधा भाग के बीच में चले जाओ, लौट के कभी वापस ना आओ। बट नो, हम जीते जी गायब नहीं हो सकते, हम हवा में उड़ भी नहीं सकते। अरे उत्तराधिकार में पाया व्रत जो उठाना है, जिसे पहना हुआ लंगोट। माँ 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 बासमती चावल ले, सबसे पहले दाल और चावल को अलग अलग बर्तनों में अच्छी तरह पीट ले, अब साफ पतीले में चावल को मध्यम आंच पर उबाले, 10 मिनट बाद आंच धीमी करें और पतीला ढक दे, और फिर 10 मिनट बाद गैस बंद करें और पतीला उतारें। अब प्रेशर कुकर में दाल डालें, 2 कप पानी डालें, प्रेशर कुकर को आंच पर चढ़ाएं, पूर्ण कुकिंग प्रेशर आ जाने के 5 मिनट बाद प्रेशर कुकर उतारें, ठंडा हो जाने पर दाल निकालें। अब पके हुए चावलों के छोटे छोटे गोले बनाएं और पकी हुई दाल में अच्छी तरह लपेट दें, प्रति गोला 1 चम्मच देसी घी डालें। लीजिए स्वादिष्ट पिंडे तैयार। हमारे दर्शकों के लिए हो गया 10वें दिन का पिंडा तैयार। संभल के जाना नाना, नया शमशान बहुत दूर है।
बेटे आखिर मैं ठहरा एक मृत शरीर, मुझे अग्नि देने में जितनी देर करोगे शरीर उतना ही सड़ता जाएगा, बदबू उतनी ही बढ़ती जाएगी। मैं अब ऊब गया हूँ। 10 दिन में हमारी फाइल कहीं तक पहुंची है? ऐसी फाइल? अरे वही हमको अग्नि देने वाली। कब जला रहे हो हमें? पहले तो आप ये बताइए कि आप नए शमशान में आए कैसे? आपको पुराने शमशान में ले जाने की देर कि वहां ताला, शमशान बंद। तमाम मोहल्ले वाले जो एक एम्बुलेंस लेने निकले कभी लौट कर वापस ही नहीं। मैंने सोचा कि आपकी लाश को तांगे पर रखवा कर यहाँ लाया जाए, तो आपने ये छह छपट्टा किया कि बस देखते रहो। छह छपट्टा किस बात का? हमने कह दिया है हम नए शमशान में नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे तो यहाँ क्यों आए? मालिक को मिले यही ना,
लो, मुझे मिली सारी उम्र भोग कर, बाकी तुमको इनाम। कौन से डालों की उम्र छीनने को आया है? हाउ की तो ले ली, अब उनकी तो ना छीन। हे ईश्वर, एक बार तो तूने मेरी बड़ी बात सुनी कर दी, अब दोबारा मरने से पहले ही सुनी करने आया है। चला, मैं हूँ तुम्हारा बहु यक्ष। तो तुम यक्ष बन के क्यों खड़े हो? बैठो ना। या मुझ पगली को सिर्फ वहम हो रहा है? एक बात तो हूँ। कहो। ये सूट तुम पे खूब जचता है। सूट? तुम इसे सूट कहती हो रमा? पूरी जिंदगी में सूट कभी पहना है मैंने? और जनाब आंखों पे काला चश्मा भी चढ़ाए हुए हैं। रम अप्सरा, रूपा, मैं हूँ मैं तुम्हारा भाव, तुम्हारा भाव रहा। ये तुम किसके बारे में बोले जा रही हो? बोलो, बोलो ना। चलो, कोई आ गया तो? ये बदबू कैसी? जी, जरूर तार पे कोई मरा हुआ चूहा होगा। मैं नाना से कह के निकल देगी। नाना, नाना, नाना। क्या बात है माँ? क्या हो गया? तुम चिल्लाई क्यों? वो कौन? मैंने उन्हें देखा। कौन? भाव? नहीं नहीं, वो। तुम किसकी बात कर रही हो? जरूर भाव होंगे। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ना, पहले मैंने उन्हें देखा, फिर एक अजीब सी बदबू, कुछ सड़ने जैसे, और फिर भाव दिखे। ये सब तुम्हारा भ्रम है, जरूर कोई सपना होगा। हाँ, सपना ही होगा, कोई माया। असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता, पर मुझे यकीन है वो यहाँ थे। अरे लेकिन वो है कौन? खैर छोड़ो, तुम शमशान से वापस कब आए? बस कुछ ही देर पहले। कौवा मिला? नहीं। तो भाव खुद ही सारा पिंडा खा गए? ऐसे क्यों बोलता है? तो क्या बोलूं, तुम्हें क्या लगता है कौवा नहीं तो क्या मैं खा गया सारा पिंडा? अरे मिल गया, खा लिया पिंडा उसने, और खाने में बहुत समय लगाया, और अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। थक जाने से कैसे चलेगा बेटे, अभी तेरे ही बाकी है। जरूर बाकी है, बहुत सा तमाशा अभी बाकी है। तमाशा किस बात का? बड़ा अजीब है तू, खाना खा ले और सो जा, कल सुबह भी देरी की तैयारी में जुट जाना है। तुम सबको बुलावा दे आना। बुलावा किस बात का? किस बात का? अरे होता है, देना पड़ता है। तुम जताती क्यों हो? मुझे क्या मालूम क्या क्या होता है? कभी कोई मरा हो तो मुझे मालूम होगा ना। बहस मत कर, जिन जिन लोगों ने कंधा दिया था उन सबको खाने का बुलावा देना पड़ता है। किसलिए? उस दिन जो एक एम्बुलेंस लेने के बहाने एक एक करके गायब हुए भाई लोग, तो यहाँ आज तक उनकी सूरत तो तरस रहे हैं। काश की रफाली करें हम, बैठे बैठे भी लेना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि लोग आते हैं, मगर एक रस्म है बुलाने की। अपने नाते का कोई बड़ा बुरा धंधा होता तो वही ये सब करता। जरूर करता, ताकि हम सब बेखट के शोक मनाते। अरे मेरे मायके में तो कोई है नहीं ऐसा जो इतनी दूर तक आता। भैया ने ताल भेज दिया, यही क्या कम किया? तुम्हारे गाँव ने सारी जिंदगी सबकी सेवा मदद की, लेकिन उनका ये सब काम हम ही लोगों को करना पड़ेगा। तुम सबको बुलावा तो दो, और हाँ उनको भी बुला लो। अरे उनको यानी किसको? तुम कब से कही जा रही हो वो दिखाई पड़े उनको बुलाना? अरे वो यानी कौन? अरे वो यानी वो सब लोग जो जो पहुंचाने गए थे वही सब लोग। ठीक है, बुला दो। सुन रहे हो ना, तेरे के दिन जरूर जरूर से आना है, ऐसा ना करना कि भूल जाओ। और वही सूट पहनना, भूलना मत, और आंखों पे काला चश्मा। ये क्या हो गया? 10 दिन पहले तक खींच कर लाए गए गृहस्थी के रथ का एक पहिया इतना सड़ा हुआ निकला। अरे मुझे मर के 10 दिन भी नहीं हुए कि रमा तो
सूट और काले चश्मे वाला साहब दिखाई देने लगा। बस किसी चीज की कमी थी, वो मामले में अभी तक ट्रेल नहीं आ रहा था ना। कुछ भी हो, मैं धीरे धीरे हैमलेट होता जा रहा हूं। और अब मेरी चिंता सिर्फ इस बात की है कि सूट और काले चश्मे वाला भाव की मौजूदगी में भी था। माँ के पिछले 10 दिनों की कमाई है। टू बी और नॉट टू बी, फ्लैशबैक। आपको कौन दिख रहा है? भाव ठीक से देखो, कौन दिख रहा हूं? सूट बहुत ज्यादा नहीं तो सूट और काला चश्मा नहीं, ठीक से देखो। सच्ची में नहीं, झूठ बोलते हैं बूढ़ी हो गए। मैं पूछा कौन देखा था उस वक्त में? उस बार तो वही दिखे थे जो तुम कह रहे हो। आप बदबू, वही बदबू अभी भी आ रही है? हाँ आ रही है। तुमने पहले कब दिखाई? उसी बार। झूठ, एकदम झूठ। पहली बार तो तभी, सच्ची। यानी वो तुम्हें आज दिखाई पड़े, 10 दिन पहले या उससे भी पहले? जिस दिन भाव जाते रहे उसी दिन। उनका नाम? सूट और काला चश्मा। मैं नाम पूछता हूँ। मुझे सच्ची नहीं मालूम, क्यों जिद करते हो? ये बताओ वो तुम्हें पहले कहाँ दिखा? कंधा देने वालों में तो से तीसरे थे। Exactly. आपने कहा कि वो कंधा देने वालों में बाईं तरफ से तीसरे थे। शादी से पहले कोई जाकर था? होती तो भाव मेरे पति ना होते। सोनी पहले भी मुझे एक चेहरा दिखाई पड़ता था, धुंधला सा। वो चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ा 10 दिनों पहले। और उससे सूट और काला चश्मा, राइट? जो देखा वो ईमानदारी से बता रही हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम्हारी लगे ठीक नहीं है यार, कोई नहीं था। अरे आपसे किसने कहा था यार? को जाइए, अरे जाइए भी, जाओ भाव। बेटे इस तमाम हादसे में तुम मुझे अग्नि देने किसने कहा था जिंदादियों के बीच में बोलने के लिए? खैर अब आपको बोलना ही पड़ेगा, कटघरे में आइए। मैं आपसे कुछ सवाल, सोच समझकर जवाब दीजिए। तो भाव जिस वक्त आपका बेटा कबड्डी खेलने बाहर गया हुआ था उस वक्त आपकी तबीयत कैसी थी? सोला ने दुरुस्त। Exactly. और आपने तो कहा भाव की आपकी मौत नींद में हुई थी। क्या क्या कहा? इसका मतलब ये कि सूट और काले चश्मे वाला पहले से ही मौजूद था। माँ का लफड़ा बहुत गहराई तक धंसा हुआ है, इतनी गहराई तक आपकी मौत चाहिए, कुदरती मौत साबित ना। क्या मतलब? मतलब रमा और उसको दिखाई पड़ने वाले उस आदमी ने मिलकर मेरा खात्मा किया है? Exactly. स्टोरी को एक और ड्रामेटिक टर्न मिल गया है। भाव की मौत बहुत मुमकिन है कि हत्याकांड साबित। और अगर वो कंधा देने वाले में बाई तरफ से तीसरा था तो वो 13वीं के दिन जरूर आएगा। अब पता चलेगा कि भाव की मौत या हत्या। आइए 13वीं करते हैं। उठे चलो बड़े चलो सभी चलो, भाव राव की तेरी है बासमती का चावल है। तेरे बाप ने अपना फूकते तो क्या तेरा बाप फूकने वाला था? चल पतले लगवा। जी पतले लग रही है आप।
आपकी मां के मुताबिक बासमती के चावल का भात पकाया गया है। धीरे बेटा, किस कलर भारी हो गया था बदन। ओहो, कंधे पे ठंड पड़ गया रे। थैंक्स। मेरे पड़ोसी मित्रों, मैं आपका नितांत भाई। जैसे कि मैंने अभी कहा, मुझे सिर्फ एक बात का पता लगाना है और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरी सहायता करेंगे। तो याद कीजिए और बताइए कि जिस वक्त आप लोग अर्थी को कंधा दे रहे थे, उस वक्त कंधा देने वालों में बाईं तरफ से तीसरा कौन? एक मिनट, बाईं से तीसरा यानी कि सर की तरफ से या पैर की तरफ से? मेरा मतलब है कि मतलब नहीं, पहले तय करो कि लास्ट के सिर की तरफ से या पैर की तरफ से, और जब ये तय हो जाए तो ये पक्की करो कि लास्ट की बाईं तरफ से या सामने वाले निशाने से नहीं जाने की बाईं तरफ। अरे घड़ो घड़ो घड़बड़ मत करो, हम बताते हैं। ये देखो, ये रही अर्थी और ये लाख से और ये लाख पांव, और पर आप पूछते हैं कि जो बाएं से तीसरा उसकी जरूरत क्या है? ऐसे ही तुम्हारा भाई ना ले लिया है, तुम्हारा भाई का ले लिया है। अरे कंधा देते देते मेरी लंबाई खड़ी, तुम्हारा भाई वाले देता है। अजी मैं तो सिर्फ आपकी याददाश्त देख रहा था। अरे रुको रुको, विषय मत बदलो, विषय मत बदलो। तो बाईं तरफ से तीसरा है ना, हमें तो ये लगता है कि लास्ट के सिर तरफ वाले को पहला मान ले और बाईं तरफ से सोचना शुरू करें तो तीसरा ये बात। अरे वाह, अरे भाई भाई कैसे था, मैं तो टांग के पास खड़ा था, मैं लेता। अरे तू ना था, अरे यो ना था, आराम से बैठो, खाना खाओ, चलो बैठ जाओ, बैठो ये ताड़े करे। बाईं तरफ से तीसरे आ भी थे, बाईं तरफ से तीसरे हमेशा से,
लेकिन उस रूप में जिस रूप में माँ की निगाहें आपको देखा करती थी। मैं क्या कहती थी, मैं तो मुर्दा। आपको विश्वास नहीं होगा ना, तो लीजिए इस सूट और काला चश्मा पहन के आइए, मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ, माँ तुम कहाँ हो? क्या है? अब माँ वो आ रहे हैं। वो कौन? वही बाई तरफ से दिख रहे। कब आ रहे? बस अपने घर से निकल चुके। तो पहले ही कह देता, मुझे तैयार होने में देर लग जाए तो। देखो क्या सूरत हो रखी है मेरी। बहस मत करो, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब मैं क्या करूं? तुम फट से बैठ जाओ। नारा, यू आर ग्रेट। अरे वो जो बरसाती में विस्की की बोतल रखी थी वो मुझे मिल गई। वो जो छुपाई हुई थी ना वो मैंने पी ली, उससे थोड़ी सी एनर्जी मिल गई। हाय, मेरा नाम तो रमा है। तुम हमारा गंगा है, तुम्हारा मरद मरा तो हम उसके मुंह में गंगा डालना देगा। हम बोला ये हमारा गंगा है। मुझे गंगा कह के पुकारेंगे? देगा गंगा देगा। हम तुमको पसंद है क्या? हम तुमको पसंद है? क्या हम तुमको पसंद है? अरे अरे संभालिए भाऊ, आप सारा खान में जाकर लेट जाइए। मुर्दे को भी शक। अरे वो चले भी गए, कैसा अच्छा लग रहा है आज मुझे। मुझसे तो मारी खुशी के बैठा ही नहीं जाता। मैं क्या करूं, कैसे अपनी खुशी जाहिर करूं? खो दिया है,
परमात्मा से एक विनती है कि नाना पहले से ही बहुत तकलीफें झेल चुका है, अब जल्दी से मेरा कमाल फोड़ दे ताकि नाना नल बंद होने से पहले घर जा सके और नहाकर जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके, दर्शक लोग भी अपने अपने हॉस्टल वापस जा सके। जी अभी तक तो क्या होगा ना, अब तक तो फूट ही गया होगा नाना।